बेटा, गोगी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। आंटी, गोगी छोटा है ना, इसलिए वो दूसरे क्लास में। अच्छा, मम्मी अब तुम जाओ ना, किसी के मम्मी पापा नहीं आए। हाँ, किसी के मम्मी पापा को कुछ चिंता ही नहीं है। मम्मी अब तुम जाओ ना। और बेटा पहले ये तो बांधने दो। ये क्या है? अरे ये नया छड़ी है, ये बांधने से तुम्हें सब जवाब जल्दी से याद रह जाएंगे। ओके मम्मी, अब तुम जाओ, सर के आने का टाइम हो गया। हाँ हाँ बेटा, जाती हूँ। आप अभी तक यहीं पर हैं? आपको मालूम नहीं कि पेरेंट्स को क्लास में आने की अलाउड नहीं है? लेकिन मैं टापू की मम्मी हूँ। अरे तो क्या हुआ? देखिए, मैं चाय, कॉफी, जूस, नाश्ता सब लेकर आई हूँ। बच्चों को कुछ चाहिए तो बताना, और हाँ, आपको भी कुछ खाना पीना हो तो बताना, शर्माना मत। सर, देखिए बहन जी, आप बाहर जाइए। ओके ओके, जाती हूँ। बच्चों ध्यान से पेपर लिखना, और कुछ ना आए तो सर को पूछना। और सर, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ ना आए तो मदद करना। अरे बहन जी, आप भी बाहर जाकर के वेट कीजिए। वेट? अरे वजन करने की क्या जरूरत है, जब से शादी हुई तब से इतना ही वजन है। बहन जी प्लीज, आप बाहर जाइए, एग्जामिनेशन का टाइम हो गया, मुझे पेपर देने हैं। हाँ जाती हूँ। बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आंटी। साइलेंस, बैठ जाइए आप लोग। अरे सुनो बेटा, तुम्हारी एग्जाम नहीं है? एग्जाम? मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हो? यहाँ का हेड प्यून हूँ। ओहो, हेड प्यून, यानी तो बहुत बड़े हो। वो बड़ा सिर्फ दिखता छोटा हूँ। अच्छा सुनो, कितने तक पढ़े हुए हो? BA। ओ, लो दो अक्षर पढ़े, वो भी उल्टे है? मुझे तो A to Z तक आता है। ठीक है। अच्छा सुनो, चाय नाश्ता कुछ कॉफी? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। सुनो, टप्पू को जानते हो? टप्पू को? अरे उसे पूरा स्कूल जानता ही नहीं, पहचानता भी है। मेरा बेटा है ही ऐसा होशियार, बहुत ज्यादा। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। तो कर लो शादी, एक दो साल के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, फुहारे लटक जाओगे। अरे यार, बहुत पकाते हो आप। अच्छा रुको रुको, अभी एक दो घंटे और बिताने हैं, किसी के साथ तो बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है ठीक है, दूसरे पे उनको भेजता हूँ। अरे बाप रे। अरे बच्चों, कोई आपस में बात नहीं करेगा, और सवालों में कोई तकलीफ तो नहीं है? सर, तकलीफ सवाल में नहीं है, जवाब देने में। साइलेंस, चुपचाप प्रश्नों के उत्तर लिखो। हाश, पेपर बहुत इजी है। मोबाइल? किसके पास मोबाइल है? ये किसका मोबाइल बजा? सर, टप्पू के पास है मोबाइल। टप्पू? टप्पू मोबाइल दो। टप्पू, मैंने कहा मोबाइल दो। फोन क्यों उठा रहा है? पेपर बहुत इजी है क्या? कौन बोल रहे हो तुम? लगता है सर ने फोन उठा लिया। तपन जी, अरे तपन जी, आपका वो रद्दी पेपर का कभी से मेरे दुकान में पड़ा है, 4 दिन से पड़ा है, प्लीज आके लेके जाइए ना। अरे तुम अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? तपन जी। हेलो 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 हेलो, तुम क्लास में मोबाइल लेकर के आते हो? सॉरी सर। नकल करने के लिए फिर अभी बता दो मैं तुम। टप्पू की मम्मी? मैं मोहन। हाँ हाँ, आप आइए। हाँ हाँ।
क्या दूध चाय कॉफी? मेरे को चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपका बेटा क्लास के अंदर मोबाइल लेकर के आया है, ये लीजिए। तो क्या हुआ? हाँ राजू, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, तो आप मोबाइल रख सकते हैं। मैं इस क्लास का सर हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? आप सो भी सकते हैं? देखिए, मैं बाहर से सब कुछ देख रही थी, मोबाइल की रिंग बजी तब आप जगे। आपकी नींद बिगड़ गई इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। तपो, तुम्हारी मम्मी को। सॉरी सर। देखा कितने प्यार से सॉरी कह रहा है। सर, ऐसा पहली बार हुआ है, माफ कर दीजिए ना। और सर, मैंने फोन पर बात भी नहीं की है, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। सॉरी सर, प्लीज। ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए माफ करता हूँ। सिट डाउन, राइट डाउन द पेपर। बताइए, आप बैठिए। हाँ।